गाइस, सो आई एम बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। तो अभी है हम सरायकाले खान निज़ामुद्दीन रेलवे मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ से हम जा रहे हैं मथुरा फॉर प्लेइंग होली। एंड अभी हमारा एक फ्रेंड है जो आ रहा है, जिसका हम वेट कर रहे हैं, एंड बाकी दो फ्रेंड्स जा रहे हैं और जो चार अभी हिमांशु का वेट कर रहे हैं, वो जैसे ही आता है देन हम यहाँ से चलेंगे रेलवे स्टेशन और आपको दिखाएंगे आगे का सीन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो गाइस आ गया है फाइनली वो। इधर इधर है वो रहा वो रहा। बड़ी जल्दी आ गए। तो गाइस हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। गाइस चेक इन कर लिया। अब सीन ये है कि हमारे पास दो ट्रेन थी, एक 9 बजे की एक 10 की। तो 9 बजे वाली जो थी उसमें मैं सीट भी नहीं मिलती, प्लस वो लेट पहुंचाती, और जो 10 बजे वाली थी वो मैं जल्दी पहुंचाती। तो हमने 10 बजे वाली टिकट करी है, अब हम 10 बजे तक वेट करेंगे। अभी 8:44 हो रहे हैं, सो या टाइम हो रहा है 8:50। एंड हमारी ट्रेन कब की है? 10 बजे। सो अभी हम खा रहे हैं डिनर एंड देन क्या फाइनली 10:08 पे ट्रेन आ चुकी है। क्या फुल पैक्ड है ये? क्या करना है केशव? अब हैं क्या करना है? चढ़ना है और क्या करना है? तो भाई जनरल की टिकट लेके स्लीपर में घुस चुके हैं। दुख फिर क्या होगा? कोई दुख नहीं है भाई, कोई दर्द नहीं है। क्या हुआ अभी? भाई सिगरेट पी रहा था। फिर क्या हुआ? पुलिस वालों ने पकड़ लिया भाई। यहाँ पे थे 5 लोग, सबको भगा दिया। यहाँ पे कुफू करना इंसान ही कार्य। और एक ने दारू पी रखी थी। मजा आ रहा गाइस। पकड़ लिया, गुड्डी पकड़ के यहाँ आकर रजनीगंधा रजनीगंधा बेच रहा था। इसे पता है, खाता है ना, इसलिए से पता है। किसी का मोबाइल किसी ने निकाल लिया। तो बहुत देर पहले मर गया है वो, तो भाई मर गया। अब चल रही है। कितने किलोमीटर बाकी है? गाइस 6 किलोमीटर इज लेफ्ट। और ये अभी सीट मिल गई उधर बैठ गया। हिमांशु सही बैठा है भाई। वो फाइनली रीच्ड एट द डेस्टिनेशन। अच्छा हमको सिखा रही है गाड़ी सोर बचा है। डेढ़ घंटे का सफर और टीटी भी नहीं मिला हमको। टीटी नहीं आया, हमने लड़ाई देखी, हमने बंदूक देखी वो। यहाँ पे पहुँच तो गए हैं, बट अब आगे क्या करना है कुछ पता ही नहीं है। आगे तो प्लान बनते ना भाई। आगे क्या करना है भाई? होता होता हो जाएगा भाई। आगे हम घूमेंगे अलग-अलग जगह। क्या बोला तूने? गाइस आफ्टर 1 आवर आर्गुमेंट हमने डिसाइड करा है कि हम लोग जाएंगे गोवर्धन पर्वत, वहाँ की परिक्रमा करेंगे। सो वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। ये रहा रेलवे स्टेशन एंड वी आर गोइंग आउट फ्रॉम हियर। रात भटकते हुए अब जा रहे हैं गोवर्धन। जा रहे हैं चल बड़ी सवारी। A few moments later। टायर पंचर हो गया? हवा कम हो गई थोड़ी। चलो भाई भरा दो अब सारे। टायर हो गया, टायर तो ठीक ही लग रहा है भाई। चक्कर में हमारे ऑटो का टायर पंचर हो गया। पनौती भाई सब वेट कर रहे हैं हम ऑटो सही होने का, देन वी विल गो टू गोवर्धन। तो हो गया। मजदूरी कह दे शेर फिर बोलेंगे गाइस। फिर से ऑटो का टायर पंचर हो गया और इस बार ऑटो में आउट है।
क्योंकि मजदूरी कह दें क्योंकि भाई साहब पनौती है, कराने बंदा हमारा पनौती है भाई, इनसे ही पूछ ले भाई, भाई पनौती कौन है बता देना भाई, बताओ क्या है भाई सिद्धू भाई, यही है ये रहा ये रहा ये भाई यही है यही सही पकड़े हैं भाई, क्या कर रहे हो तुम, फुसकी बम फुसकी बम ले 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 जल्दी करो हवा निकल चुकी है, देख हाथ देख, मजदूर का हाथ है कालिया, देखो ठंड को रोकने का तरीका, एक निकल चुका है गाइस, एक निकल गया दो अभी भी एक ने... भाई इतना खुश कैसे हो भाई, ये वो क्या कर के आए हो वहां से, एक भाई पहली बैठ चुके यहाँ चल रहा है काम भाई, पहली बैठ गए सीट भाई अपनी सीट के देख रहा भाई, भाई बाहर एक साइड कर लो, चलो भाई हम तो बैठ गए, कैसा पता क्या कर रहा था भैया, रस्सी रस्सी बोल रहा था, यही है पनौती, यही है उतारो इसे भाई, भैया ऐसे ना चलेगी, डबल पनौती लगाई भाई ने, रस्सी मांग रहा था, रस्सी तो एक बार ही लगाई इसने, लग तो बार दो बार गई, यही पनौती भाई, हम आ चुके हैं कहाँ पे, गोवर्धन पर्वत, आप कुछ खाते हैं देन चलते हैं परिक्रमा करने, यार टाइम तो बट हो चुका है भाई, मेरे पास घड़ी नहीं तो बता देता, टाइम हो गया गाइस 1:38 में आप पहुंच गए हैं, और बाकी देखते हैं आप कुछ खा पी के चलते हैं परिक्रमा करने, चाय वाय पी लिए और चेंज भी कर लिया, अब चल रहे परिक्रमा वही करने चल रहे, तो गाइस अभी 2:05 हो रहे हैं और हमने 2:05 और हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दिया, देखते हैं कितनी देर में खत्म होगी, बहुत सुंदर, हमने परिक्रमा शुरू कर दी है यहाँ से, अब हमें देखना है कि छोटी परिक्रमा करें या बड़ी परिक्रमा करें, तुम क्या कहते हो भैया, छोटी करते हैं अगली साल करते हैं ना बड़ी, देखा कर दीजिए छोटी बात भाई मेरा मानना है, जिस तुरंत चश्मे क्यों पहन रखे, धूप आ रही है, कूल ब्रो आई विल कूल, कौन है ये लोग, बहुत अच्छा क्राउड हो रहा है, होली के लिए जा रही है, जगह है जहाँ पर कृष्णा जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, एंड हम यहाँ से अब जा रहे हैं परिक्रमा करने, इस जगह से परिक्रमा स्टार्ट है, ये देखिए जय 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 देखिएगा, ये जो लाइन है ये पूरा पर्वत है, ऊपर मून है, तो पूरी लाइन पर्वत है गाइस, वो जो सामने दिख रहा है वो पर्वत है, अभी अंधेरा शो शायद आपको ना दिखे अच्छे से, बट यही पर्वत है जो कृष्णा जी ने अपने फिंगर पे उठाया था, जिसका हम परिक्रमा कर रहे हैं, वो सब तो ठीक है,
इसका यहाँ पे ये काम है भाई, किस चीज का? गोवर्धन पर्वत में ये टिकटॉकर का काम है यहाँ पे भाई, तेरे लिए है ना ये पैसा भाई, पैसा मैं रील्स ब्रो, रील्स बिजनेस भाई, बिजनेस क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है हमारे देश को, ये कहीं धुआं कहीं टिकटॉकर्स, हिमांशु की धोली हो गई, हिमांशु हाउ आर यू फीलिंग भाई, आप वेरी गुड भाई, मैं भी बोलो राधे राधे गाइस, पूरी रोड गुलाल से भरी पड़ी है, वो आदमी नंगा पड़ा है यहां पे, आज भी नंगा, सड़क की चिंता हो रही है। So guys, फोटो व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है क्योंकि हम लेट हो रहे थे, इसलिए हम ई रिक्शा में जा रहे हैं, हमें सनराइज देखने गाइस, हमें जाना है अभी उमना घाट सनराइज देखने, तो वहाँ लेट ना हो जाए इसलिए हम ऐसे जा रहे हैं, और ई रिक्शा फुल्ली पैक्ड है, ये देखो तुषार कैसा है सीन सिस्टम अंदर, तो यहाँ पर ड्राइवर साथ केशव, केशव ही बैठ रखा है, मैं बोलो बागे बिहारी लाल की, राधे 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 राधे, तो मुंह का घुस गया। So guys, हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है गोवर्धन की, और ये हाल हो गए सबके, हमने खूब एंजॉय किया गाइस, खूब एंजॉय करा, और एक बुरी चीज ट्रैजिक चीज भी हो गई हमारे साथ, हम जिस ई रिक्शा में बैठे थे वहाँ पे पीछे चार पांच लोग और बैठे थे, और वो लोग जब हम पे करने लगे वो पीछे से भाग गए, और बेचारे वो ई रिक्शा वाले बहुत सैड हो गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, वैसे भी हो गाइस आप घूमने आते हो, अब उनकी भी कमाई रोजी रोटी का यही साधन है, आपको ऐसा नहीं करना, आपके लिए तो फन होगा बट उनके लिए वो बहुत वो सैड था भाई, वो रोने जैसा मुंह हो गया था उनका, भाई ने 15-20 मिनट तक उन्हें ढूंढा पर वो मिले नहीं, हाँ सो ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी हम जा रहे हैं अब यमुना घाट, यहाँ से हम पकड़ेंगे बस, हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे, फॉलो मोर, क्या बोला तूने, फॉलो मोर, फॉलो फॉर मोर अपडेट्स, डर की ठोकरे खाई है हमने, कोई ऑटो वाला रेडी नहीं हो रहा भाई, बहुत सैड, गरीब हमने देख लिया, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, फाइनली हमें ऑटो मिल गया है, अब यहाँ से हम जाएंगे यमुना घाट के लिए, हमें पहले प्रेम मंदिर जाएंगे, प्रेम मंदिर फिर हमें एक ऑटो करना पड़ेगा एक और, जिससे हम जाएंगे यमुना घाट, केशव सिस्टम सिस्टम अब आएगा, कस्टडी में मैं एक बात साझा करना चाहूंगा, हमारे ब्लॉगर साहब घर से 500 रुपए लाए हैं घूमने के लिए, देखो इतने नॉमिनल चार्जेस पे, 500 का हो जाएगा गाइस होल ट्रिप।